उस एफआईआर की कॉपी है ना? बेशक। कैन यू रीड इट टू द कोर्ट? दो चोरियों के मामले में विरुद्धाचलम की पुलिस कुलंजी को ढूंढ रही थी। 20th अक्टूबर 1994 दोपहर 2 बजे एक बार में से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कहना क्या चाहते हो? ये कडलूर जेल की एग्जिट रिकॉर्ड की कॉपी है, जरा पढ़िए। 20 अक्टूबर 1994 को कोलंजी को जेल से कितने बजे रिहा किया गया? पढ़िए ना सर। शाम के चार बजे। ये कैसे हो सकता है सर कि कोलंजी शाम के 4 बजे तक कडलूर जेल में हो, लेकिन विरुद्धाचलम की पुलिस उसे 2 बजे ही गिरफ्तार कर ले? माय लॉर्ड, इन चोरियों की वारदात जिस समय हुई तब कोलंजी जेल में था। झूठे केस बनाने वाले ये पुलिस वाले ही हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। सच कहूं तो पुलिस वाले ही पेशेवर अपराधी हैं। बात सिर्फ इस केस की नहीं है माय लॉर्ड, उस दिन रिहा किए गए 12 ट्राइबल्स को जेल से निकलते ही झूठे अपराध लगाकर दोबारा गिरफ्तार किया। एक समाज सेवक की मदद से कलियप्पन कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे, पर बाकियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। 12 लोगों को बेल पर रिहा करने की ऑर्डर देता हूं मैं। माय लॉर्ड, बात सिर्फ इन 12 की नहीं है। 2 हफ्तों में पूरे तमिलनाडु में 7,000 मासूमों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पता नहीं इनमें से कितने बेकसूर हैं। अब क्या मैं सबकी जमानत करवाऊं क्या? माय लॉर्ड, दिस इज रिडिकुलस। कहीं गलती हुई होगी, उसका फायदा उठाकर मिस्टर चंद्रू कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। सिर्फ एक गलती नहीं हुई, 12 बड़ी गलतियां हुई हैं। 7 हो या 7,000 कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कितने भी पीड़ित हो, हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक है और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए। माय लॉर्ड, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में इंक्वायरी कमीशन का ऑर्डर दे रहा हूं। 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट होने चाहिए। तब तक वो 7,000 लोग जिन्हें डीजीपी के ऑर्डर की वजह से झूठे अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया, वो पास के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी जमानत करवा सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। शाबाश, एक तीर में 7,000 निशान है। निशान नहीं, इंसान है सर। शिवाय ना।